दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। सिंगा जी समाधि स्थल पर रविवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करीब 2 बजे पहुंचे। उन्होंने समाधि पर पहुंचकर संत सिंगा जी समाधि स्थल पर पूजा वंदन किया, साथ ही मां नर्मदा की आरती दर्शन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव तो जीत गए, अब लोकसभा चुनाव जीत कर भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सीएम ने कार्यक्रम में पहुंची लाडली बहनाओं को इशारा करते हुए कहा, आज 10 तारीख है, सभी के खातों में 1250 रुपए डाल दिए गए हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा, विधायक कंचन मुकेश तनवे मधानता, विधायक नारायण पटेल पंधाना, विधायक छाया मोर बड़वा, विधायक सचिन बिरला खंडवा, महापौर अमृता अमर यादव और सभी बड़े नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगा जी महाराज और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात जनता को संबोधित किया, लाडली बहनों से कहा, आज किस्त डाल दी है।